हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सबके साथ मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। और मैंने लास्ट वीडियो शेयर किया था ननद की शादी का वीडियो, जो कि मेरे हस्बैंड और देवर ने सबने मिलकर बनाया था। और मैं तो शादी में नहीं गई थी, लेकिन ये सब लोग गए थे तो इन सब ने क्लिप्स निकाली हुई थी, तो वही मैंने आप सबके साथ शेयर की थी। तो अभी ये चले गए हैं शादी में और आज ये वापस आने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी मॉर्निंग में जल्दी उठकर मैं लग गई हूँ घर की क्लीनिंग में, और बच्चे भी दोनों आज घर पर ही हैं क्योंकि आज संडे का दिन है। वैसे तो इन दोनों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और मंडे से ही इनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो जैसे पहले इनका था कि डेट एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे जल्दी, तो फिर मैंने अपना टिकट वगैरह नहीं करा रखा था, बस इसी वजह से मैं शादी में नहीं जा पाई। और इनका टिकट था, ये था कि चलो एक लोग घर पर रहेगा तो बच्चों को स्कूल अटेंड वगैरह सब कुछ करवा सकते हैं। तो ये चले गए थे शादी में और आज ये वापस आएंगे। तो बस यहाँ पर सुबह को जल्दी से उठ के मैं लग गई थी मेरा काम फिनिश करने में कि ये आए तो तब तक मेरा जो है नाश्ता वगैरह रेडी हो जाए। तो अभी यहाँ पर जो है मेरा डस्टिंग का ही काम चल रहा है। सुबह सुबह उठकर ना जैसे डेली की लाइफ अलग होती है, जब बच्चे को स्कूल जाना हो और भी आपके काम हो, लेकिन छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा लेट भी हो जाता है और थोड़ा सा रूटीन चेंज हो जाता है। तो आज छुट्टी का ही दिन है और ये भी है नहीं, तो मैंने सोचा चलो पहले घर की क्लीनिंग करती हूँ, उसके बाद नहाऊंगी। तो आज मैंने अभी नहाया नहीं है, तो अभी मैं क्लीनिंग करने के बाद ही जाऊंगी नहाने के लिए। तो जो भी ब्लैंकेट्स वगैरह थे सारा सब कुछ क्लीन करके फिर मैंने आज ये कूलिन निकाला है कि चलो इससे अच्छे से डस्टिंग कर देती हूँ। एवरीडे तो मैं नहीं करती हूँ इतना डीप क्लीनिंग करके, लेकिन हाँ संडे टू संडे मेरी काफ़ी अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाती है। वो टाइम पे डिपेंड करती है, अर्ली मॉर्निंग करूँगी या आफ्टरनून में, जैसे जब मुझे गंदा दिखे तब ये कूलिन उठा के कभी भी मार दो। तो अभी जो ग्लास वगैरह जहाँ पर है तो सब अच्छे से क्लीन कर दिया। और ये मम्मी का बिस्तर है जहाँ पर बहुत सारे पिलो रहते हैं, क्योंकि मम्मी इसी से जैसे ना टेक लेकर बैठती है। और ये कार्तिक कंबल में छुप गया है कि बहुत ज़्यादा ठंडी है, मैं बाहर नहीं निकलूँगा। तो मैंने ये भी सारे रजाई वगैरह फोल्ड की और ये इधर क्लीनिंग हो गई। और अभी नहा कर पूजा करके मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। और आज मैंने ना मटर की चाट बनाई थी, तो गड़बड़ हो गई है कि चाट जो है बहुत पतली हो गई है, तो बस इसका पानी जला रही हूँ मैं, दूध गर्म हो रहा है। और आंटी आ गई है तो गेट फटाफट से खोलूंगी, कपड़े वॉश किए थे तो बोरे में कपड़े फैले हुए हैं आंगन में। फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है संडे और अभी सुबह के 9:45 बज गए हैं, तो अभी बस पूजा वगैरह करके और मैं यहाँ पर रेडी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। और मेरी किचन में ये वायर के पीछे लगे हुए हैं कपड़े और पूरे आंगन में भी फैले हुए हैं, तो ये सर्दियों में जल्दी नहीं सूखते हैं। तो अभी देखूंगी कल के पड़े हुए हैं कि कितने सूखे कितने नहीं। तो अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद ये सब हटाऊंगी और क्लीनिंग वगैरह का मेरा सारा काम हो गया है। और आंटी आ गई है तो आज काफ़ी लेट हो गया है मेरा, क्योंकि आज मैंने घर की डीप क्लीनिंग की है। और वैसे तो डेली में मेरा इस टाइम तक ब्रेकफास्ट हो जाता है और ये भी आने वाली होगी थोड़ी देर में। तो जल्दी जल्दी अभी मैं मम्मी और बच्चे सब लोग ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद फिर आगे के और भी बहुत सारे काम हैं, क्योंकि संडे के दिन ना बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। ये सब कुछ अभी क्लीन करना है क्योंकि सारा सब कुछ फैला पड़ा है। और चलिए कर लेते हैं पहले ब्रेकफास्ट और मिलेंगे आपसे थोड़ी देर। तो फ्रेंड्स अभी ये जो मटर जिसका मैं पानी जला रही थी ये अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है, तो बस इसे मैंने सर्व कर लिया है। तो यहाँ पर प्याज टमाटर मूली और नींबू वगैरह डाल के मैं यहाँ पर इसे रेडी कर रही हूँ। और सर्दियों में थोड़ा सा ना जैसे चाट वगैरह अच्छी लगती है, गरम चीज़ें हो नाश्ता में, मतलब पराठे वगैरह हो, या फिर जैसे मुझे ये मतलब मटर की चाट पसंद है और मैं ब्रेड भी साथ में सेक के खा लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। काव्या कार्तिक और मम्मी सब लोग ही घर में मटर की चाट खा लेते हैं, तो ये हम तीन चार लोगों की प्लेट है। और कार्तिक जो है ये हरा प्याज ऐसे डाल के नहीं खाएगा बिना पका हुआ, तो उसके लिए मैंने एक नॉर्मल सी प्लेट लगा दी है और बस नमक मिर्च भुना जीरा पाउडर सब कुछ डाल के सर्व कर लूँगी। और चटनी बनी हुई रखी थी तो मैंने वो भी डाल दी है। और इसके बाद अभी यहाँ पर मैं लेकर आ गई हूँ मम्मी के रूम में, तो मम्मी यहाँ पर जो है खा रही है, तो मैंने सोचा चलो आज मम्मी के पास ही खा लेते हैं। वैसे मैं नाश्ता जो है बेड पर बैठ के कभी नहीं करती हूँ, लेकिन आज मेरा पता नहीं कुछ मन हो गया था, तो मैंने सोचा चलो आज मम्मी के साथ खाएंगे। और अभी
ये आ गए हैं। तो इन्होंने सरप्राइज दे दिया कि दोनों जो है भैया भी साथ में आए हैं इनके, और मुझे पता नहीं था ये लोग आने वाले हैं। तो ये लोग सब साथ में रिजर्वेशन करा कर ही उधर से आए हैं। तो इनका टिकट पहले से था बट सीट अवेलेबल थी, तो इन लोगों ने भी जो है अपना टिकट करा लिया है इधर आने के लिए। और अभी मैंने इनको भी ब्रेकफास्ट में जो है मटर रखी हुई थी तो वही चाट बना के दे दी है, साथ में चाय नमकीन वगैरह। तो ये लोग करेंगे नाश्ता, और उधर से ये लोग जो मिठाई के डिब्बे भी लाए हैं तो वो नाश्ता भी साथ में चल गया था। और आप सबके साथ मैंने शेयर नहीं कर पाया था बट बहुत ही अच्छा सा नाश्ता था। और अभी नाश्ता होने के बाद किचन क्लीन किया, उसके बाद फिर से मैं लग गई हूँ किचन में। और ये सब लोग शादी से आए हैं तो थके हुए हैं, तो ये लोग जो है नाश्ता करके सो गए हैं सब बाहर के रूम में जाके, और बच्चे जो है मम्मी के पास खेल रहे हैं। और मैं यहाँ पर कर रही हूँ लंच की प्रिपरेशन, तो मैंने जल्दी से सब्जी रख दी है, दाल रख दी है, और मैं यहाँ पर आटा लगा के इन लोगों को रोटी बना कर दूंगी, क्योंकि इन लोगों ने बोल दिया है कि इन्हें कुछ हैवी नहीं खाना है, क्योंकि शादी में लोगों ने बहुत ऊट पटांग ही खाया है। 2-3 दिन से सभी लोग वहाँ पर रुके हुए थे, तो बाहर निकल के हो जाता है कि मतलब घर वाला चीज़ तो नहीं रहती है, तो कुछ उल्टा पुल्टा ज़्यादा ही खा लिया जाता है। तो इन लोगों के लिए सिंपल सा खाना बना कर दूंगी, और बस यहाँ पर आटा वगैरह गूंद के रख दूंगी, जब ये लोग उठेंगे तभी रोटियां सेकूंगी। तो गाइज अभी शाम हो गई है और ये लोग लाए थे शादी में से मिठाई, तो मम्मी और मैं साथ में एंजॉय कर रहे हैं बहुत अच्छा। तो शादी की जो मिठाई मिली है बहुत अच्छी है, देसी घी की मिठाई है, और आप लोग भी आ जाइए शादी की मिठाई साथ में एंजॉय करते हैं। बच्चों ने मतलब खा पी लिया है, और ये लोग सब लोग आए हैं तो इन सबके भी अलग अलग 3 डिब्बे थे, तो मिठाई विठाई खाई जा चुकी है, मठरी मठरी रही है। तो अभी चाय पियेंगे और साथ में मछली वगैरह खा लेते हैं, इसीलिए मैंने ला कर रखी है देसी घी की है, तो बहुत अच्छी है। और आफ्टरनून में मैंने एक ब्लॉग एडिट कर लिया है जो कि शादी का वीडियो है, तो वो मैं आपके साथ कोशिश करती हूँ कि आज इवनिंग तक ही शेयर कर दूँ, क्योंकि नई नई चीज़ होती है थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और सबको एक्साइटमेंट भी रहती है कि शादी का जो वीडियो है तो सब लोग उसे इंजॉय करने वाले हैं, फैमिली में जितने भी लोग हैं। तो चलिए पियेंगे पहले चाय और मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। हे गाइस, तो मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में, और कल ये ब्लॉग जो था इसे मैंने इनकम्प्लीट छोड़ दिया था। एक्चुअली सब लोग आ गए थे और शादी में से आए थे, तो थोड़ी सी शादी की बातें, और भैया लोग काफ़ी दिनों के बाद आए थे, और होता है ना कि घर में कोई बहुत दिनों बाद आए तो फिर बातों बातों में टाइम कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है, और सर्दी का टाइम है तो थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। तो रात को काफ़ी देर हो गई, सब लोग बातों में बैठ गए, चाय वगैरह पीते रहे ठंड में, फिर डिनर बनाया, और कल डिनर लेट हो गया डेली से मेरा, और काफ़ी देर सबने बातें की, और अभी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके, और मामा जी भी आ गए थे तो सब लोग चले गए हैं फतेहगढ़। और उसके बाद अभी हम लोगों ने सबने लंच किया, बच्चे स्कूल से आ गए, इन लोगों के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गए हैं, तो अभी ये लोग थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, लोगों के कपड़े चेंज करा दिए हैं। और अभी मैंने सोचा चलो आपके साथ इस ब्लॉग को एंड कर लेते हैं, कल आपके साथ बहुत सारी बातें हो ही नहीं पाई, और कल मैंने ये ब्लॉग तो स्टार्ट कर लिया था लेकिन इसको फिनिश नहीं कर पाया, और आपको मतलब बाय नहीं बोल पाया। और चलिए अभी के लिए ज़्यादा मतलब कुछ नहीं है, आज का जो रूटीन था एवरीडे जैसा था, और आज मैं जिम वगैरह कुछ नहीं गई हूँ क्योंकि सब लोग आए हुए थे, और कुछ बहुत ज़रूरी मतलब ऐसी अच्छी सी गुड न्यूज़ है जो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी, क्योंकि सब लोग तैयारियों में उसी में लगे हुए थे, वो क्या है ये आपको आगे के आने वाले वीडियो में बताऊंगी। और बस इसी उसमें मामी वगैरह सब लोग आ गए हैं, तो सब लोग फतेहगढ़ हैं, और अभी सब लोग जा चुके हैं वहाँ पर, तो बच्चे वगैरह सब अभी रेस्ट करेंगे, अभी जब तक ये कमरे की लाइट नहीं बंद होगी तब तक ये नहीं लेटेंगे, ये थोड़ा उठ उठ के देखते रहेंगे, और इन लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इन लोगों को पढ़ाना भी है। और चलिए करते हैं इस वीडियो को एंड, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।